हेलो नेगी सोल्जर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? नेगी सोल्जर्स, हाउ आर यू? आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ओन यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट MEPIXE। हाउ आर यू? आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। सो माय फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग फुल कोर्स ऑन बेसिक थर्मोडायनामिक्स फॉर गेट 2022-23, ऑफकोर्स मैकेनिकल एक्सी, केमिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021-22, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू सॉल्व, व्हाट इज द हेडिंग ऑफ टुडेज क्लास? लेट्स सॉल्व चंपू प्रॉब्लम्स इन झमाझमवे। आर यू रेडी? गुड इवनिंग। सो माय फ्रेंड, दोज हु आर कमिंग फर्स्ट टाइम टू अवर यूट्यूब चैनल, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज देवेंद्र सिंह नेगी। आई एम मैकेनिकल हेड अनअकैडमी ब्रांड्स, गेट ऑल इंडिया रैंक 1 2019-20 इंजीनियरिंग सेंसस पेपर, ऑल इंडिया रैंक 1 बैंक नोट पेपर मिल। अदर देन दीज एग्जाम्स आई हैव क्रैक नंबर ऑफ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। माय फ्रेंड्स, आई कंप्लीटेड माय मास्टर फ्रॉम IIT बॉम्बे, वाज द टॉपर ऑफ माय बैच। आई एम टीचिंग फॉर गेट एंड जेईई सिंस 9+ years, एंड आई हैव मेंटोर्ड मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड सेमिनार मोड। एंड माय फ्रेंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लिसन केयरफुली। इफ यू आर विलिंग टू जॉइन अनअकैडमी प्लस, अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, देन जॉइन using referral code Negiton, तब आप join करेंगे using the referral code Negiton। जैसे ही आप Negiton use करते हैं, you'll be getting my personal guidance। I'm telling you clearly, अगर आप Negiton लगाओगे तभी, देखो उसका मतलब ही वही है। The meaning of using the referral code Negiton is you are looking for my personal guidance। चंपू बार बार किसी और को, सर मैंने वो गलती से लगा दिया, सर मुझे आपकी पर्सनल, चंपू ये सब नहीं चलेगा रे बाबा, द मीनिंग ऑफ यूजिंग द रेफरल कोड नेगीटन इज यू आर लुकिंग फॉर माय पर्सनल गाइडेंस। बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखेंगे बेटा। द मोमेंट यू आर कमिंग ऑन अनअकैडमी प्लस यूजिंग द रेफरल कोड नेगीटन, आई विल बी योर सिंगल पॉइंट कॉन्टेक्ट। आपको कहीं इधर उधर नहीं भटकना है, यू विल बी माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप मेरे रेस्पॉन्सिबिलिटी होने वाले हो। एंड द मोमेंट यू आर यूजिंग नेगीटन, जैसे आप Negiton यूज करते हैं, यू विल बी गेटिंग द एक्सेस टू Negistan, वेयर आई एम रनिंग, आई एम स्टार्टिंग अ कस्टमाइज्ड बैच फॉर नेगी सोल्जर्स। इस कस्टमाइज्ड बैच में क्या होने वाला है बेटा? इस कस्टमाइज्ड बैच में इवनिंग में क्लासेस चलने वाली हैं, पूरा सिलेबस इवनिंग में होने वाला है। एंड नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन बेटा, फ्रॉम 22nd ऑफ मार्च इन दिस कस्टमाइज्ड बैच, फ्रॉम 22nd ऑफ मार्च आई एम स्टार्टिंग हीट ट्रांसफर। यस बेटा, कंप्लीट थर्मल एंड फ्लूइड आई एम गोइंग टू टीच, थर्मोडायनामिक्स, एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स, हीट ट्रांसफर, ये पूरा मैं पढ़ाने वाला हूं। आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। रिमेनिंग सब्जेक्ट्स विल बी टॉट बाय द टॉप एडुकेटर्स। तो इस कस्टमाइज्ड बैच में 22 मार्च से स्टार्ट हो रहा है हीट ट्रांसफर, 24 मार्च से स्टार्ट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग, 6 PM to 8 PM। Timings of my classes will be 8:30 PM to 10:30 PM, and of course from 3rd of May we are going to start thermodynamics। Okay beta, aap logo ko jo bhi class ke notes honge yahan milenge beta। Negiton is the telegram channel which is trusted by more than 7.5k negi soldiers, hai na? Ye link hai beta Negiton telegram channel ka। Anyways, in the description box, you will be able to have the link of this Telegram channel. One more thing, beta, I'm taking the free classes not only on Unacademy, Gate, MEPX channel, but on Unacademy Learning App, Unacademy Free Special Classes also. So, agar aap meri koi bhi free special class miss nahi karna chahte hain, then you can join Unacademy Plus using referral code Negiton. And of course, aap mujhe follow bhi kar sakte hain, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा अगर आप अनअकैडमी प्लस पर नहीं हैं, है ना? दिस इज द लिंक ऑफ माय प्रोफाइल। ओके, गुड इवनिंग। साउंड कम आ रहा है? लो साउंड का बोलो सब है। नीतीश कुमार चेक कर लो, लेक्चर 6-7 का PDF नहीं है, सब है बेटा, एक बार जाके देख लो Negiton टेलीग्राम चैनल पर, आपको सब मिल जाएगा। साउंड सही है बेटा, एक बार कंफर्म कर दो, साउंड इज परफेक्ट। अरे जिन चंपू लोगों का साउंड कम है, अपने मोबाइल का बढ़ाओ रे बाबा। हाँ मोबाइल का साउंड पता नहीं मोबाइल ने पहले साउंड कम करके रखा था, मे बी बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस। और अभी
साउंड बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं मेरे को, मैं कहां से बढ़ाऊंगा रे बाबा, आई कांट डू एनीथिंग। साउंड तो बहुत बढ़िया है रे बाबा, चलो बेटा चलो 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 आगे बढ़ते हैं। एंटर द इनवाइट कोड टू अनलॉक योर पीपीटी। यस 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 फॉर नेगी सर एंड नेगी सोल्डर देयर इज ओनली वन इनवाइट कोड, नेगी 10। चलो अटेंडेंस लगा देंगे रे बाबा झमाझम तरीके से। एवरीवन पुट द अटेंडेंस, फटाफट से अटेंडेंस लगा दो। कौन कौन प्रेजेंट है, कौन कौन प्रेजेंट है? फुल है रे बाबा। यस, कौन कौन प्रेजेंट है फटाफट से लगा देंगे रे बाबा। यस, पिंकू इज प्रेजेंट, हु एल्स इज प्रेजेंट, रोहित इज प्रेजेंट, कृष्णा इज, अरे फटाफट से चलाओ रे बाबा। यस, रोहित इज प्रेजेंट, कृष्णा इज प्रेजेंट, अनिल इज प्रेजेंट, विकास इज प्रेजेंट, अनवेश इज प्रेजेंट, ध्रुव इज प्रेजेंट, संजीव इज प्रेजेंट, शुभम इज प्रेजेंट, नीतीश इज प्रेजेंट, एलस लिटिल स्टुअर्ट इज प्रेजेंट, नीतीश इज प्रेजेंट, विकास यादव इज प्रेजेंट, कार्तिक इज प्रेजेंट, विजय इज प्रेजेंट। बहुत कम लोग हैं। यस, लक्ष्मण इज प्रेजेंट, सुशील इज प्रेजेंट। ओके, चलो बेटा आज का क्या टॉपिक है? थैंक यू सो मच, काफी अच्छा। यस यस यस, अंबेडकर भी आ गए, सैलेस इज ऑल्सो देर। ओहो वैशाली, वेलकम रे बाबा, काफी नए नेगी सोल्जर्स दोबारा ट्रैक पर आ रहे रे बाबा। यस यस, बालाजी इज ऑल्सो प्रेजेंट, वेरी गुड माई फ्रेंड। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज झमाझम क्लास एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द चंपो प्रॉब्लम्स। आज क्या होने वाला है, हम लोग चंपू प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं इन अ झमाझम वे। ओ माई गॉड, लेट अस सी द फर्स्ट चंपू प्रॉब्लम, लेट अस सी द फर्स्ट चंपू प्रॉब्लम इन अ रिवर्सिबल कॉन्स्टेंट प्रेजर नॉन फ्लो प्रोसेस, हीट इनपुट इज गिवन बाय। ओ माई गॉड, फटाफट से बताएंगे बेटा। अरे चंपू के लिए घड़ी कहां से आ गई रे बाबा, टाइमर चाहिए था अपन को। चलो, आई विल बी गिविंग यू ओनली 30 seconds, आपके पास केवल और केवल 30 seconds है रे बाबा। चलो स्टार्ट सॉल्विंग। ओ माई गॉड, काफी लोगों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया रे बाबा। So many of you started giving the answer. Yes, for a reversible constant pressure means what? Isobaric. He is talking about the isobaric heat addition process. You know, for isobaric heat, time up. Yes, you know, for isobaric heat addition process, what is the heat supplied? What is the heat interaction? For isobaric process, what is the heat interaction? That is equal to delta H change in enthalpy. Delta H change in enthalpy. And you know, my friends, for a perfect gas, this delta H will be equal to what? MCP delta T. Very good. Now listen carefully. Any intelligent student of the class can tell me what shall I change in question? Question mein kya change karun? What shall I change in question so that answer will become A Agra? Question mein kya change kiya jaye ki answer ho jayega A Agra? Yes, 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 MCP delta T. Tell me beta, what should be the change in question so that answer will become A Agra? Yes, Dhruv, very good. Excellent, Harry Baba. Yes, absolutely correct. Yes, if I'm talking about the constant volume process, yes, for constant volume process, the heat interaction is given by change in internal energy. QV will be equal to what? Delta capital U. And 100%, if I am having the perfect gas, अगर मेरे पास perfect gas है, तो ये delta U क्या हो जाता है? MCB delta T हो जाता है. Of course, condition is I should have perfect gas, और other एक और condition बताई थी, है ना? उसकी बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, लेकिन वो condition भी valid है. If I am having the perfect gas, then delta U can be written as MCB delta T, and delta H can be written as MCP delta T. चलो next question, the mass, internal energy, pressure and volume of a system are 10 kg, 100 kilojoule, 1 bar,
and 1 meter cube respectively. The value of specific enthalpy in kilojoule per kg of the system is, you are having just 40 seconds to answer this question. Time is started. 40 seconds. फटाफट से आंसर करेंगे रे बाबा. Come on everyone, come on everyone, come on everyone. Start giving the answer. विश्वजीत लेट नहीं आएंगे बेटा. आज की आपकी मॉर्निंग की अटेंडेंस गई रे बाबा. मॉर्निंग की बोले तो अभी ये क्लास स्टार्ट होने से पहले वाली दो बार अटेंडेंस लूंगा, स्टार्टिंग में एंडिंग में. आज स्टार्टिंग वाली तो गई रे बाबा आपकी अटेंडेंस. चलो 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 सॉल्व करो रे बाबा. सॉल्व करेंगे सॉल्व करेंगे सॉल्व करेंगे. ही इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एंथैल्पी. फटाफट से बताओ रे बाबा. कम ऑन, टाइम अप टाइम अप टाइम अप. ओ माय गॉड, सी बी ए, ये क्या हो गया रे बाबा. काफी लोग गलत गलत आंसर. ओ हो ये क्या हुआ, इतने आसान क्वेश्चन को कैसे गलत किया रे बाबा. इसके लिए तो बहुत गट्स चाहिए इसको गलत करने के लिए. मास इज गिवन 10 केजी, इंटरनल एनर्जी कैपिटल यू इज गिवन 100 किलो जूल, प्रेशर पी इज गिवन हाउ मच, वन बार, वॉल्यूम इज गिवन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम गिवन इन द क्वेश्चन, 1 meter cube. देखो बेटा, कैन आई से कैपिटल एच इज इक्वल टू कैपिटल यू प्लस पीवी. सो कैपिटल एच इज इक्वल टू व्हाट, यू कितना है, 100 किलो जूल. आई वांट टू राइट इन किलो जूल. इफ आई वांट टू राइट इन किलो जूल, प्रेशर मस्ट बी इन किलो पास्कल इन वन बार. कैन आई से आई विल बी हैविंग 100 किलो पास्कल, है ना. हाँ, ये हुई ना बात. 100 किलो पास्कल इनटू 1, तो ये सब किलो जूल में आ गया. 100 प्लस 100, 100 प्लस 100, 200 एच हो गया, 200 किलो जूल. क्या पूछा, स्पेसिफिक मांग रहा है रे बाबा चंपा. सो स्मॉल एच इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल एच बाय मास. बाप रे बाप, 200 बाय 10, सो 20 किलो जूल पर केजी. दिस इज द स्पेसिफिक एंथैल्पी आई एम हैविंग. आंसर कौन सा सही है रे बाबा, 10 20 30 40. आंसर है 20 किलो जूल पर केजी. आंसर इज बी, बॉम्बे. यस यस कृष्णा, यस कृष्णा, वेरी गुड वेरी गुड. शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. अरे चंपू प्रॉब्लम्स हैं रे बाबा, चंपू प्रॉब्लम्स हैं. चलो शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो Next question. The state of an ideal gas is changed from T1, P1 to T2, P2. अच्छा, मेरे पास ideal gas थी. Ideal gas की state 1 से change होकर हो गई state 2, T1, P1 से change होकर हो गई T2, P2. In a constant volume process, okay, to calculate the change in specific enthalpy delta small h, which constant volume process is given re baba, champo, constant volume process is given re baba. To calculate the change in specific enthalpy delta small h, which of the following properties or variables are required? Your time starts now. 30 सेकेंड्स डाल दिया जा रहे बाबा. कंप्यूटर बाबा 30 सेकेंड डाल दो रे बाबा. चलो फंस गए रे बाबा. ओहो, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज गिवन. सर वॉइस इज लो. ओके. चलो एक बार देखना बेटा, क्या ही तो फर्क पड़ता है बेटा. अरे आई एम हैविंग आइडियल गैस इज गिवन एंड लेट मी से द
specific heats of the ideal gas, specific heats of the ideal gas are constant, then I'm having perfect gas. If I'm having perfect gas, we know the enthalpy of even for ideal gas depends on temperature only. So, मैंने बताया था बेटा perfect gas के लिए delta small h कैसे निकालते हैं? Cp delta T ना? Champu, what is this delta T? Cp T2 minus T1. यहां तक क्लियर हैं सब लोग? आंसर इज बी बॉम्बे. यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. आंसर इज बी बॉम्बे. चले नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना? चले चले नेक्स्ट क्वेश्चन. ओ माई गॉड. अरे यार, ये संगम जब भी आता है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा. पढ़ने आते हो बेटा तुम? पढ़ने नहीं आते यार तुम. मैं हमेशा देखता हूं तुम्हारे कमेंट हमेशा उल्टे सीधे रहते हैं यार. बहुत बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूं, कभी नाम नहीं लेता, आज नाम ले लेता हूं. स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सीपी ऑफ हीलियम इज, फेमस कर दूंगा बेटा आपको मैं. स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सीपी ऑफ हीलियम इज 5.19 किलो जूल पर केजी पर केल्विन एंड इट्स मोलर मास, मॉलिकुलर मास इज 4 केजी पर किलोमोल. द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ऑफ हीलियम इन किलो जूल पर केजी पर केल्विन इज 30 सेकेंड्स यू आर हैविंग बेटा. आपके पास केवल 30 सेकेंड है, फटाफट से सॉल्व करो. बहुत ही इजी क्वेश्चन है रे बाबा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करेंगे. ओ माई गॉड, सीपी इज गिवन, मोलर मास इज गिवन एंड ही इज आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीवी. कम ऑन एवरीवन, ये हुई ना बात. ओहो, छा गए घर. बेहतरीन. ओ माई गॉड, एब्सोल्युटली करेक्ट. यस लक्ष्मण, विश्वजीत, अरे अपने छा गए. सही है. एक्सीलेंट है रे बाबा. कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने? हाउ डिड यू सॉल्व? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटल आर. यही है ना बेटा, ये तो बहुत इजी है. सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू कैपिटल आर. तो सीवी क्या होगा रे बाबा? सीवी ही इज आस्किंग ना. सीपी माइनस कैपिटल आर, सीवी इज इक्वल टू व्हाट? सीपी माइनस कैपिटल आर. कैन आई से सीवी इज इक्वल टू सीपी माइनस कैपिटल आर इज आर बार बाय मोलर मास ना. अरे चंपा, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय व्हाट? मोलर मास. छा गए घर. बहुत बढ़िया बेटा, एक्सीलेंट है रे बाबा, है ना? तो CV इज इक्वल टू CP. एक बार CP देख लेना बेटा क्या है. 5.19 किलो जूल पर केजी पर केल्विन माइनस आर बार. व्हाट इज आर बार? 8.314 किलो जूल पर किलो मोल पर केल्विन डिवाइडेड बाय मोलर मास 4 केजी पर किलो मोल. किलोमोल विल बी गेटिंग कैंसल्ड एंड दिस विल बी हैविंग द यूनिट ऑफ किलो जूल पर केजी पर केल्विन. इसको आप सॉल्व करोगे, बढ़िया से आपका आंसर आएगा 3.11 किलो जूल पर केजी पर केल्विन. क्या ही तो ब्यूटीफुल चंपू क्वेश्चन है रे बाबा, ये तो चंपू क्वेश्चन है रे बाबा. आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर. कार्तिक, सेम बात है ना रे बाबा. अरे कुछ हाँ बिल्कुल कर सक. अरे यही तो है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू
CP minus CV is 1.6, 1.67. अच्छा CP by CV is equal to 1.67. गैस का नाम भी दे दिया क्या? ये तो बड़ा ही चंपू एग्जामिनर निकला रे बाबा. बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो. आ रहा है क्या आंसर? आना तो चाहिए. यस आना तो चाहिए. आ रहा है क्या आंसर? आना तो चाहिए, आना तो चाहिए. तो चंपू ये तो बहुत ही आना चाहिए आंसर. आ रहा है क्या? आना चाहिए. यस आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए. हाँ सही है, सही है यार. लेकिन ना देखो कायदे में, ना कायदे में उसको नहीं देना चाहिए था ना, फिर तो मजा ही खराब हो जाएगा. पूरा मजा ही खराब हो जाएगा फिर तो. ये क्या क्या ही क्वेश्चन बचा. फिर तो क्या ही बचेगा क्वेश्चन में. चलो लड़ल गोटो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सब चंपू क्वेश्चन सर है बाबा. 1 kg ऑफ डाइएटॉमिक गैस. अच्छा डाइएटॉमिक दे दिया तो बेटा गामा कितना होगा? इफ डाइएटॉमिक इज गिवन देन व्हाट विल बी गामा? यू आर अवेयर ऑफ दिस. गामा विल बी 1.4. 1 kg ऑफ डाइएटॉमिक गैस इज हीटेड एंड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 100 Kelvin टू 600 Kelvin. इनिशियली टेम्परेचर उसका 100 Kelvin था, अभी बढ़कर 600 Kelvin हो गया. द एनर्जी एडेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज 500 kJ. ओके जो भी मैंने एनर्जी एड करी है कॉन्स्टेंट प्रेशर पर इस प्रोसेस के दौरान वो है 500 kJ. ओके द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम फॉर द गैस इज डैश kJ पर kg पर केल्विन राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस. बट यू आर हैविंग ओनली 45 seconds, है ना? 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. चलो स्टार्ट करो. डायटोमिक गैस इज गिवन बेटा. डायटोमिक गैस गिवन है विजय. आराम से करो बेटा, आराम से करो, ध्यान से करो. क्लियरली बोल रहा है 1 kg ऑफ डायटोमिक गैस इज हीटेड, है ना? तो मास इज गिवन 1 kg, there is no doubt. Diatomic gas is given, so gamma is 1.4, है ना? Temperature is increasing from 100 Kelvin to 400 Kelvin. T1 is 100 Kelvin. Time up हो गया रे बाबा. T2 is 500 Kelvin, sorry 600 Kelvin. 600 है ना? हाँ. The energy added, of course, heat added at constant pressure during this process is 500 kJ. So heat supplied at constant pressure is given 500 kJ. सही है. The specific heat at constant volume, CV पूछ रहे हैं. चलो कैसे क्या? Yes, 0.714. Yes, 0.714. यस 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 0.714. कैसे करोगे बेटा इसको? हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व बेटा? देखना ध्यान से. कैन आई से हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू MCP डेल्टा टी इफ आई एम हैविंग द परफेक्ट गैस. यहां से मैं CP निकाल लूंगा बेटा. CP विल बी व्हाट? Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा टी. सो CP इज इक्वल टू Q. Q की वैल्यू बेटा 500 kJ, है ना? डिवाइडेड बाय मास. मास इज 1. डेल्टा टी बेटा 600 माइनस 100 500. ओ माय गॉड. यहां से CP कितना आ गया बेटा? CP इज कमिंग 1. अरे चंपा, समथिंग इज गेटिंग स्वाहा. 500 इज गेटिंग स्वाहा. सो कैन आई से आई एम गेटिंग CP 1 kJ पर kg पर केल्विन. बट अगर ये CP आ रहा है तो CV क्या होगा? देखो गामा इज इक्वल टू CP बाय CV.
So basically CV will be what? CP 1 by gamma 1.4. तो बताओ बेटा कितना आंसर आ रहा है इसका? 0.714. एक बार कंफर्म कर दो, 0.714 आ रहा है ना? राउंड ऑफ टू टू डेसिमल प्लेसेस. देखो एक्चुअल आंसर ये आ गया. अब देखो चलो मैं इसकी भी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, इसकी भी प्रैक्टिस करवाऊंगा. मुझे एक चीज बताना बेटा, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर. अब देखो काफी लोग ना मेरे को एग्जाम के बाद कितने बच्चों ने बोला कि सर इसमें ये बताओ लिखना क्या है. बच्चे इस चीज का ध्यान नहीं देखते बेटा, ध्यान से सुनना. राउंड ऑफ टू टू डेसिमल प्लेसेस, कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर? यस, करेक्ट आंसर इज व्हाट एवर आंसर यू गॉट इज 0.714. लेकिन आप भरोगे क्या? व्हाट आर यू गोइंग टू फिल इन एग्जाम? उसने क्लियरली बोला है राउंड ऑफ टू टू डेसिमल प्लेसेस. तो आंसर विच आई एम गोइंग टू गिव इज 0.71. And in the official answer key, the range was 0.70 to 0.72, है ना? ठीक है, चलो. Shall we go for the next question? बोलो रे बाबा, next question पे चले. Shall we go for the next question? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, जल्दी से बोलेंगे रे बाबा. चलो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? चंपू क्वेश्चन है रे बाबा. कंसीडर टू सिस्टम्स ईच कंटेनिंग 20 केजी ऑफ एयर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. ओके, मेरे पास दो सिस्टम हैं, दोनों के अंदर 20 केजी ऑफ एयर है एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. इट इज डिजायर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एयर इन बोथ द सिस्टम्स बाय 10 डिग्री सेल्सियस. दोनों सिस्टम में मुझे एयर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है. वन सिस्टम अंडरगोज अ कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस एंड द अदर अंडरगोज अ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन. द डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ द heat transferred to the two system in kilojoule is, you are having 60 seconds beta, aapke paas 60 second hai, aap isko solve kijiye. Your time starts now, fatafat se solve kijiye beta, please solve. Please solve beta. Will you start hydraulic machine on YouTube? बेटा पहले पढ़ तो लो, जो पढ़ा रहा हूं यार वो पढ़ लो ना. आप लोगों के लिए कौन सा टॉप एडुकेटर रोज आपके लिए क्लास लेता है ना? तो जो पढ़ा रहा हूं पढ़ लो, पढ़ा रहा हूं ना, हर रोज पढ़ा ही रहा हूं आप लोगों को. अनअकैडमी प्लस पर मेरी कंटिन्यूअस क्लासेस हैं. 20 तारीख को फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म हो रहा है, 22 को हीट ट्रांसफर स्टार्ट कर रहा हूं. कोई गैप नहीं है बेटा, कोई गैप नहीं है. ऑन 1st ऑफ मे My heat transfer is getting ended. From 3rd of May, I'm starting thermodynamics. तो इतना लोड है Unacademy Plus का, उसके बावजूद आप लोगों के लिए इतनी टीम मीटिंग्स रहती हैं एज ए मैकेनिकल हेड के होने के नाते, उसके बावजूद आपके लिए लगभग लगभग हर रोज यूट्यूब पर क्लास ले रहा हूं बेटा. एवरी डे आई एम टेकिंग, है ना? तो आप उसकी चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, जो भी हो सकेगा सब करने वाला हूं बेटा मैं. आपको चिंता ही नहीं करनी है, आप लोगों के लिए तो खड़ा हूं यार, है ना? From 22nd of March, I am starting on Unacademy Plus, बेटा. Unacademy Plus पर कंडक्शन स्टार्ट हो रहा है ना? 22 मार्च से हीट ट्रांसफर स्टार्ट हो रहा है. वेरी गुड, कृष्णा छा गए गौरव. यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. काफी लोगों ने कर लिया. चलिए मैं आपको हेल्प करता हूं बेटा, लेट मी हेल्प यू. अच्छा ये बताना, फॉर द सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर, फॉर द सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर, इन विच केस आई नीड टू सप्लाई मोर हीट. अगर मैं दोनों के अंदर एयर भरी, दोनों सिस्टम एयर है ना, एयर इज बेसिकली द सिस्टम,
In one case, I am having isochoric heat addition. In another case, I am having isobaric heat addition. अरे दो केसेस है ना. So in which case I need to supply more heat for the same temperature increase. मैंने ये कल ही बताया था आपको. Yesterday only we have discussed. Isobaric है ना. तो बेटा देखना क्या मैं ये बोल सकता हूं. In the question he is asking isobaric heat supplied minus isochoric heat supplied. बेटा ये बताओ. Can I say in the question he is asking the difference in the values of heat transferred. So I think he is asking isobaric heat addition minus isochoric heat addition. And you know na beta, you are aware of this. Isobaric heat addition will be gamma times of isochoric heat addition for the same temperature increase. So can I say gamma minus 1. What is the heat supplied at constant volume beta? MCV delta T na. देखो आई हैव टेकन हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम आई हैव टेकन आउट. सो गामा माइनस वन एंड हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज एम सी वी डेल्टा टी. एयर है ना मेरे पास बेटा. एयर का गामा कितना होगा 1.4 माइनस वन. व्हाट इज द मास ऑफ एयर इन बोथ केसेस 20 केजी. सीवी 0.718 किलो जूल पर केजी पर केल्विन. डेल्टा टी how much temperature increase I want, 10 degree Celsius or 10 Kelvin, doesn't matter, temperature difference in Kelvin and degree Celsius are same. But isko solve karoge to kya answer aa raha hai, 0.4 into 20 into 71.8. to agar aap isko dekhoge to I think 57.5 kilojoule. Can I say answer is C Chennai. Answer is C Chennai. Yes. So can I say answer is C Chennai? 57.44 is the exact. Arre champu yellow re baba. Exact likhunga re baba. Hai na? Theek hai. Ho gaya. To isme concept kya tha beta is question ko karne ke liye? Concept ye tha. For the same temperature rise, the heat supplied in constant pressure process will be more than the heat supplied in constant volume process. So isobaric heat addition will be gamma times of isochoric heat addition. So I am writing gamma times of QV as isobaric heat addition. Maine QV common le liya to mere paas gamma minus 1 bacha. Heat supplied at constant volume will be MCV delta T. Hai na? Yahan tak clear hai beta? I hope everyone is clear till here. Fatafat se confirm kar denge beta. I hope everyone is clear till here. फटाफट से confirm कर देंगे. चलो let us go to next. बेटा इस question को पढ़ना मजा आ जाएगा. ये तो बहुत ही बढ़िया question है. This is beautiful question. Common data question है. दो question है, ध्यान से पढ़ना. An insulated piston cylinder assembly. देखो बेटा this is the insulated piston cylinder assembly having a paddle wheel. There is a paddle wheel. As shown in the below figure, contains air in bracket capital R is equal to 287 joule per kg per Kelvin. CP is given 718 joule per kg per Kelvin. It should be CV na? CV hona chahiye na? Ek bar dekh lo, ye CV hai, hai na? Of mass 4 kg, both piston and paddle wheel can be considered as insulated and massless. Temperature and pressure of the air inside the cylinder are 300 Kelvin and 100 kilopascal respectively. Ambient pressure is 100 kilopascal. Pooch kya raha hai beta? Ek bar dhyan se dekh lena. Let us try to understand what he is asking. If the piston is locked in fixed position and the paddle wheel delivers 75 kilojoule of work, final air temperature is. Dekho kya bol raha hai? If this piston is locked,
ये जो पिस्टन है ये मूव नहीं कर सकता है, एंड दिस पैडल व्हील इज डिलीवरिंग 75 किलो जूल ऑफ वर्क, देन ही इज आस्किंग द फाइनल टेम्परेचर। बेटा ध्यान से देखना, आपको एक हिंट दे रहा हूं, देन द टाइमर विल स्टार्ट। हिंट इज I'm assuming this air as my system. तो अब ये जो एनर्जी इंट्रैक्शन होगा दैट विल बी हीट सप्लाइड, है ना। चलो I have given you sufficient hint, अब आप सॉल्व करो, है ना। You are having 60 seconds to solve this question बेटा। T1 is given 300 Kelvin. अरे बाप रे, बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हो आप लोग। 4 kg is given mass, है ना। फटाफट से कीजिए। फटाफट से कीजिए, क्या है आंसर बताओ। आई एम गेटिंग सो मेनी आंसर्स। चलो टाइम अप होने वाला बेटा, फटाफट से करेंगे। चलो टाइम अप, जरा ध्यान से देखना बेटा। If the piston is fixed, can I say I will be having isochoric heat addition? 100% I will be having isochoric heat addition. And if I am having isochoric heat addition, can I say heat supplied at constant volume is equal to MCV delta T? So heat supplied at constant volume is how much? 75 kilojoule. So I'm converting into joule. 75 into 10 to power 3. Mass is given 4. CV diya hua tha na beta? 718. Delta T. Final temperature. T2 minus initial temperature. Initial temperature is how much? 300 Kelvin. Toh yahan se kya aap log nikal pa rahe hain beta? What is the value of T2 you people are getting? इसको सॉल्व करके T2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 326.1. Yes, Pinku, very good बेटा. 326.11 Kelvin. So answer is D Delhi. 326.11. एक बार कंफर्म कर दो बेटा। Can I say answer is 326.11? फटाफट से एक बार कंफर्म कर देंगे। This is correct? ये सही है? चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। If the piston is free to slide without any friction, when the paddle will deliver 75 kilojoule of work, final temperature of air in the cylinder is, now listen carefully, now the piston is free to slide, now the piston is free to slide without any friction. Agar ye jo piston hai, if this piston can slide freely without any friction, then he is asking what is the final temperature of air? Karo beta. Karo. You are having just 45 seconds. You are having just 45 seconds. Aapke paas keval 45 seconds hain. Fatafat solve kijiye.
Oh my God, Kartikeya is very, very, very fast. Kartikeya is very fast. एक मेरा स्टूडेंट कार्तिकेय अनअकैडमी प्लस पर भी है. He is also very smart. Yes, 318.66. बाकी लोग, अरे बाकी लोग कहां चले गए रे बाबा. इसमें बाकी लोग का क्या हुआ? द मूवमेंट पिस्टन इज, हां मुझे पता है बेटा, द मूवमेंट पिस्टन इज फ्री टू स्लाइड विदाउट एनी फ्रिक्शन. आई एम हैविंग आइसोबारिक हीट एडिशन. व्हाट इज द फार्मूला फॉर आइसोबारिक हीट एडिशन? डेल्टा एच एम सी पी डेल्टा टी. सो दिस इज हाउ मच सेम हीट आई एम सप्लाइंग, 75 किलो जूल. मास इज गिवन 4. सीपी इज व्हाट? सीवी प्लस आर. 718 प्लस 287 दिया होगा ना. आर इज हाउ मच? 287. डेल्टा टी, टी टू माइनस टी वन, टी वन इज 300. तो यहां से बेटा टी टू कितना आ जाएगा? 318.65. ओके, कैन आई से आंसर इज डी डली? कैन आई से आंसर इज डी डली? एक बार ये कंफर्म कर दो बेटा. अच्छा मान लो, सुनो सुनो, आप ध्यान से सुनो. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ब्यूटीफुल चेंज करता हूं. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ब्यूटीफुल चेंज करता हूं. क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, एक चेंज कर रहा हूं. मान लो एयर नहीं दिया. लेट अस सपोज आई एम नॉट हैविंग एयर, आई एम हैविंग सम गैस. आई एम हैविंग सम गैस. कोई आइडियल, कोई परफेक्ट गैस है लेट अस सपोज. उसका मुझे कैपिटल आर नहीं पता. आई डोंट नो द कैपिटल. हाँ सीवी आई नो. CV is given something. Now, CV is given. You can find T2 for the isochoric heat addition. No problem. लेकिन अब मान लो R नहीं पता and you don't know what is the gas. Then how are you going to find T2 here? How are you going to find T2 for isobaric heat addition? कैसे निकालेंगे? यहां तो आपको R पता था, आपने फटाफट से CV प्लस R कर दिया CP की जगह. बट लेट सपोज R इज अननोन. हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व? अब क्या करोगे? अरे R बार से क्या करोगे? R बार से कुछ नहीं होने वाला. मैं बोलता हूं आपको, गैस नहीं पता. यू डोंट नो. जस्ट दे हैव गिवन देयर इज सम परफेक्ट गैस. जस्ट दे हैव गिवन देयर इज सम परफेक्ट गैस. फिर कैसे करोगे? देन हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व? मान लो बोल दिया परफेक्ट डायटोमिक गैस बोल दिया. हां दे विल गिव द वैल्यू ऑफ गामा. ऑफ कोर्स डायटोमिक गैस बोल दिया, परफेक्ट डायटोमिक गैस. सीपी को सीवी के इक्वल ले लेंगे. नहीं नहीं, परफेक्ट डायटोमिक गैस दिया है. हां गामा इज गिवन. डायटोमिक बोल दिया तो गामा गिवन हो गया ना. हां द मोमेंट दे हैव गिवन यू डायटोमिक गैस, गामा इज 1.4. अब क्या करोगे? फिर वहां से, हां एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वहां से आप लोग क्या कर लोगे? सीपी निकाल लोगे गामा सीवी करके. हां एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट है. लेकिन कोई और मेथड है? इज देयर एनी अदर मेथड? बिल्कुल सही है. मैं देखना चाह रहा हूं कोई और किसी और मेथड से करेगा. यस सीपी विल बी गामा सीवी एंड आप निकाल लोगे T2. कोई और मेथड भी है? इज देयर एनी अदर मेथड? ये भी सही है. कुछ और मेथड कर सकते हो क्या बेटा? एक चीज और कर सकते हैं ना. इफ आई एम हैविंग द सेम हीट सप्लाइड देन द टेम्परेचर इंक्रीज ड्यूरिंग आइसोकोरिक हीट एडिशन विल बी
gamma times of temperature increase during isobaric heat addition. Already you know, देखो यहां पे final temperature आपको पता था 326.1. So what is the temperature increase? 326.1 minus 300. So 26.1 divided by 1.4 will be the temperature change for isobaric heat addition. एक बार देखना बेटा ये solve करके 18.7 के आसपास आ रहा है क्या? Mathematically it should come 18.7 ना, एक बार confirm कर लो. एक method ये भी हो सकता है ना बेटा, एक method ये भी हो सकता है ना match हो रहा है ना, match होना चाहिए. ठीक है, ले आते हैं वापस क्वेश्चन को. चलो shall we go for the next question? Yes, next question solve करेंगे बेटा. Shall we solve next question? Next question पे चले. अरे मजा. चलो next question पे जाने से पहले एक छोटी सी चीज, चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. ध्यान से देखना बेटा, एयर एट 150 किलो पास्कल एंड 323 केल्विन इज फिल्ड इन ए रिजिड वेसल ऑफ 0.05 मीटर क्यूब कैपेसिटी. मेरे पास एक रिजिड वेसल है, उस रिजिड वेसल के अंदर एयर भरी हुई है जिसका प्रेशर 150 किलो पास्कल है और टेम्परेचर है 323 केल्विन. फॉर एयर एज्यूम्ड एज एन आइडियल गैस स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज 0.7163 किलो जूल पर केजी पर केल्विन एंड द स्पेसिफिक गैस कॉन्स्टेंट इज 0.287 किलो जूल पर केजी पर केल्विन. Neglect kinetic and potential energy changes. If 30 kilojoule of heat is added, the final temperature in Kelvin of air up to one decimal place is. You are having beta 60 seconds to solve this question. फटाफट से करेंगे beta. झमाझम है रे बाबा. देखो एयर एट 150 किलो पास्कल एंड 323 केल्विन इज फिल्ड इन ए रिजिड वेसल ऑफ 0.05 मीटर क्यूब कैपेसिटी. मैं लिख देता हूं जो भी डेटा गिवन है. P1 इज गिवन 150 किलो पास्कल. इनिशियल टेम्परेचर इज गिवन बेटा 323 केल्विन. वॉल्यूम इज गिवन 0.05 मीटर क्यूब. कोई V1 V2 नहीं लिख रहा है बिकॉज रिजल्ट वेसल इज ऑलरेडी गिवन, सो वॉल्यूम विल रिमेन सेम. CV इज गिवन. टाइम अप हो गया रे बाबा, आंसर देंगे फटाफट से. 0.7163 किलो जूल पर केजी पर केल्विन. कैपिटल R इज गिवन 0.287 किलो जूल पर केजी पर केल्विन. हीट सप्लाइड इज गिवन 30 किलो जूल. व्हाट ही इज आस्किंग? फाइनल टेम्परेचर T2. देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर किया है. अरे बाप रे, अलग अलग लोगों का अलग अलग आ रहा है यार. 200 कैसे आ गया कार्तिक है? ये कौन सा तुक्का लगा दिया? अच्छा ये बताओ प्रोसेस क्या हो रहा है? व्हाट इज द प्रोसेस आई एम हैविंग बेटा? ओके, व्हाट इज द प्रोसेस आई एम हैविंग? व्हाट इज द प्रोसेस आई एम हैविंग? कैन आई से आई एम हैविंग आइसोकोरिक हीट एडिशन? बेटा आइसोकोरिक मत बोला करो, पूरा बोला करो. आइसोकोरिक हीट एडिशन ना, कैन आई से आइसोकोरिक हीट एडिशन?
आइसोकोरिक हीट एडिशन ना, लिखा तो है इफ 30 किलोजूल ऑफ हीट इज एडेड, आइसोकोरिक हीट एडिशन। फॉर आइसोकोरिक हीट एडिशन कैन आई से क्यू विल बी इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी, टी टू माइनस टी वन। यार क्यू इज हाउ मच, 30 किलो जूल में लिया है तो सीवी को मैं किलो जूल पर केजी पर केल्विन में लूंगा बेटा। मास इज गिवन, मास इज नॉट गिवन, मास इज नॉट गिवन ना, क्या मैं मास निकाल सकता हूं? देखो कैन आई से पी वन वी वन अपॉन आर टी वन, अरे पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, सो पी वन वी वन इज इक्वल टू एम आर टी वन। सो कैन आई से आई एम हैविंग पी वन वन फिफ्टी किलो पास्कल, वी वन 0.05 R, ध्यान से देखना बेटा मैंने प्रेशर किलो पास्कल में लिया है, है ना? अगर मैंने किलो पास्कल में लिया है, R इज हाउ मच, 0.287 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। T1 इज हाउ मच, 323। T2 ही इज आस्किंग, T1 इज 323। अरे सीवी बची है ना, सीवी को कहां छोड़ दे रहे बाबा चंपो, 0.7163 टी टू माइनस 323। अब बताओ बेटा कितना आ रहा है, एक बार मुझे बता दो, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, टी टू की वैल्यू कितनी आ रही है, इसको सॉल्व करके T2 की वैल्यू कितनी आ रही है? अनीस इज सेइंग 840.7, बाकी लोग बताओ यार, देखो थोड़ा इसको कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है वैल्यू, 840.7। चलो काफी लोग 840.7 बोल रहे हैं, तो मैं 840.7 ले रहा हूं आंसर, है ना, ऑफ कोर्स इन केल्विन। द रेंज गिवन इन ऑफिशियल आंसर की वॉज 831 टू 844, 831 टू 844, है ना? अब देखना बेटा एक बार कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है 841 आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, कितना आ रहा है एग्जैक्ट आंसर बताओ यार, अलग अलग लोगों का अलग अलग कैसे आ रहा है, अलग अलग लोगों का अलग अलग कैसे आ रहा है, कोई यार एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बताओ। बिल्कुल बेटा सप्रा, चलो 840.66 ना, ठीक है यार देख लेना जो भी आ रहा है। एनीवेज मैं थोड़ा सा यहां पे एक चीज बता देता हूं आपको, देखो ध्यान से सुनना बेटा, मास इज पी वन बी वन अपॉन आर टी वन, ये जो प्रेजर है, दिस प्रेजर आई हैव टेकन इन किलो पास्कल, वॉल्यूम आई हैव टेकन इन मीटर क्यूब ओनली, ये जो कैपिटल आर है, दिस कैपिटल आर आई हैव टेकन इन किलो जूल पर केजी पर केल्विन, बिकॉज प्रेजर आई हैव टेकन इन किलो पास्कल, है ना, एंड ऑफकोर्स दिस इज द टी वन 323, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। चलो एंड अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, देन बेटा यू कैन इंस्टॉल अनअकैडमी लर्निंग। अभी मैं कुछ क्वेश्चन और करवाऊंगा, 4 क्वेश्चन और करवाने हैं बेटा। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, बिकॉज आई एम टेकिंग फ्री क्लासेस नॉट ओनली ऑन अनअकैडमी गेट MEPIXE यूट्यूब चैनल बट ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप ऑल्सो। तो जैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करते हैं, you will be able to access my all the free special classes whatever I have taken on an academy learning app,
इसके साथ साथ बेसिकली यू विल बी अनलॉकिंग योर फ्री प्लान. द मोमेंट आई एम सेइंग यू विल बी अनलॉकिंग योर फ्री प्लान्स, यू विल बी अनलॉकिंग योर फ्री स्पेशल क्लासेस, फ्री क्विजेस, फ्री टेस्ट सीरीज. और अगर आपने अभी तक अनअकैडमी कॉम्बैट के लिए एनरोल नहीं किया है तो अनअकैडमी कॉम्बैट के लिए एनरोल कर लीजिए यूजिंग द इनवाइट कोड निकिटन. तो जो भी पहली बार अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करेगा, दोज हु विल बी इंस्टॉलिंग द अनअकैडमी लर्निंग ऐप फर्स्ट टाइम, दे विल बी यूजिंग द इनवाइट कोड निकिटन. निकिटन 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 ही यूज करना है बेटा इनवाइट कोड नेगी सोल्जर्स के लिए. ये मैंडेटरी है, ये पहचान है अपनी, है ना. एंड द सेकेंड बेनिफिट ऑफ इंस्टॉलिंग द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, यू विल बी एबल टू सेंड मी द मैसेज, है ना. नेक्स्ट थिंग बेटा ये है, जो लोग कोई भी पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, दिस इज ज्ञान गंगा फॉर देम. ये उन लोगों के लिए है. नाउ लुक एट हियर बेटा, व्हाट इज ज्ञान गंगा, व्हाट एवर द फ्री क्लासेस आई हैव टेकन आइदर ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप और अनअकैडमी गेट MEPIXE यूट्यूब चैनल, एवरीथिंग आई हैव अरेंज इन अ प्रॉपर वे. थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, ATD, PYQs, स्पेशल क्लास, एवरीथिंग आई हैव अरेंज इन अ प्रॉपर वे. फॉर एग्जाम्पल आप अगर फ्लूइड मैकेनिक्स को देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नेम फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड कॉलम में लेक्चर नंबरिंग है, थर्ड कॉलम आई एम हैविंग द नेम ऑफ द टॉपिक, फोर्थ कॉलम आई एम हैविंग वीडियो क्लास लिंक, फिफ्थ कॉलम आई एम हैविंग लिंक ऑफ द PDF, है ना. तो कैसे पहुंचेंगे, इफ इवन इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी, यू कैन फाइंड माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन ज्ञान गंगा tinyurl.com/negitoncode, है ना. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना बेटा ध्यान से. अ पिस्टन सिलेंडर सिस्टम हैज एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 0.1 m³ एंड कंटेन्स एन आइडियल गैस. CV is equal to 0.74 kilojoule per kg per Kelvin. Capital R is equal to 0.288 kilojoule per kg per Kelvin at 1.5 bar and 298 Kelvin. The piston is moved to compress the gas until the pressure and temperature reach 10 bar and 423 Kelvin respectively. During the process, 20 kilojoule of work is done on the gas. The magnitude of heat transfer during this process is, your time starts now. फटाफट से सॉल्व करेंगे बेटा. टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से सॉल्व कीजिए. यू आर हैविंग जस्ट 1 minute. फटाफट सॉल्व कीजिए बेटा. मैग्नीट्यूड ऑफ हीट इंटरेक्शन दे आर आस्किंग. किलोजूल में पूछ रहा है बेटा. अ पिस्टन सिलेंडर सिस्टम हैज एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 0.1 m³. V1 इज गिवन 0.1 m³. आइडियल गैस इज गिवन, CV इज गिवन. सो बेसिकली आई एम हैविंग परफेक्ट गैस, ideal gas with constant specific heats. 0.74 kilojoule per kg per Kelvin is given. Capital R is given beta. 0.288 kilojoule per kg per Kelvin. Okay. At 1.5 bar. P1 is given 1.5 bar, T1 is given 298 Kelvin. The piston is moved to compress the gas until the pressure and temperature reach to 10 bar and 423 Kelvin. P2 is given 10 bar and T2 is given 423 Kelvin. During this process, 20 kilojoule of work is done on the gas, done on the gas, done on the system. So negative, na? Chalo, he is asking heat interaction. Dekhte hain kitne logon ne sahi answer kiya hai. Krishna is getting 16 to kahin nahi rahe baba.
पाटिल इज गिविंग डी, विकास इज गिविंग डी, बाकी लोगों का क्या हुआ? इसमें तो काफी लोग स्वाहा हो गए रे बाबा। अरे मुझे कुल मिला के एक बात बताओ यार, कंफ्यूज क्यों रहे? व्हाई आर यू गेटिंग कंफ्यूज्ड? अब देखो मैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा, विल बी सॉल्विंग सम गुड क्वेश्चंस। मुझे एक चीज बताओ, कैन आई से क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू? कैन आई से क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एम सी वी डेल्टा टी? W इज गिवन, किलो जूल में कितना है? -20 ना, हाउ टू फाइंड मास बेटा? मास कैसे निकालेंगे? कैन आई से पी वन वी वन अपॉन आर टी वन? पी वन कितना है? देखो ध्यान से देखो, दिस मास विल बी व्हाट? पी वन वी वन अपॉन आर टी वन। P1 I will be taking in kilopascal, so R I will be taking in kilojoule per kg per Kelvin, है ना? So P1 कितना है? P1 is 1.5 bar. So 1.5 into 10 to power 2 kilopascal. V1 is given in the question. How much is V1? 0.1. R is given in the question. 0.288. T1 is given in the question. 298 Kelvin. है ना? CV दिया है बेटा 0.74 kilojoule per kg per Kelvin. Of course, I want answer in kilojoule, so I am taking in kilojoule per kg per Kelvin. Delta T 423 minus 298. अब बताओ क्या आंसर आ रहा है? नाउ यू टेल मी बेटा व्हाट इज योर आंसर? अभी बताएंगे कितना आंसर आ रहा है। 3.8 पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव और नेगेटिव? 3.8 इज ओके, ओके। ही इज आस्किंग द मैग्नीट्यूड ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ट्रांसफर इन किलो जूल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज, तो ही इज आस्किंग मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड बोल रहा है तो नेगेटिव साइन का फिर कोई मतलब है नहीं। सो कैन आई से आंसर इज डी दिल्ली? एक बार कंफर्म कर दो बेटा। यस, ही इज आस्किंग मैग्नीट्यूड ना, दिस इज द कीवर्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ट्रांसफर। क्लियर है सब लोग? यस, आई होप एवरीवन इज क्लियर। सब लोग यहां तक क्लियर है बेटा? आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। यहां तक कंफर्म कर दो, डी दिल्ली इज द आंसर। शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बेटा। A pedal wheel is installed in a rigid insulated tank containing 10 kg air. CV is equal to 0.718 kilojoule per kg per Kelvin. A torque of 100 Newton meter is applied on the pedal wheel to rotate it at 60 revolutions per minute for 2 minutes. At the end of the process, the increase in temperature of air in degree Celsius is, ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। You are having 1 minute to solve this question बेटा, start कीजिए। आप अगर air को system मानेंगे, हाँ रवि करते रहो बेटा, करते रहो आप, है ना? फटाफट से इसका आंसर देंगे बेटा।
कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रोसेस इफ आई एम एज्यूमिंग एयर एज सिस्टम, अगर मैं एयर को सिस्टम मानू, आप विजुलाइज कर पा रहे हैं ना, विजुलाइज कर पा रहे हैं कैसा है डायग्राम? दिस इज द केस बेटा, सपोज दिस इज योर रिजिड इंसुलेटेड कंटेनर, मान लीजिए ये आपका रिजिड इंसुलेटेड कंटेनर है, सपोज दिस इज योर रिजिड इंसुलेटेड कंटेनर, इन दिस रिजिड इंसुलेटेड कंटेनर आई एम हैविंग वन ब्यूटिफुल स्टरर, एक बेहतरीन स्टरर है मेरे पास, है ना, एंड दिस स्टरर इज रोटेटेड विद कॉन्स्टेंट आरपीएम, है ना, 60 रेवोल्यूशन पर मिनट फॉर 2 मिनट्स। तो यार अगर इसके अंदर एयर है एंड इफ आई एम एज्यूमिंग ओनली एयर एज माई सिस्टम, इफ आई एम एज्यूमिंग ओनली एयर एज माई सिस्टम, देन यू कैन अंडरस्टैंड आई एम हैविंग आइसोकोरिक हीट एडिशन प्रोसेस। I am having isochoric heat addition process. He is asking the increase in temperature. ये तो बहुत easy है, बहुत easy है बेटा। Can I say heat supplied at constant volume is equal to mCv delta T? अब ये heat supplied at constant volume कितना हुआ? Torque into theta. Anyone in the class, what will be theta बेटा? 60 RPM, 60 rotations per minute, and I am rotating the stirrer for 2 minutes. That means in 2 minutes, how many rotations I am having? 120 rotations. मेरे को rotations नहीं लेना बेटा, मुझे लेना है radian में. In one rotation, I will be having 2 pi radian. So 100% in 120 rotations, I will be having 120 into 2 pi, 240 pi radian. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। सो कैन आई से दिस मस्ट बी इक्वल टू मास, देखो टॉर्क इनटू थीटा ना, पहले टॉर्क लिख देता हूं, टॉर्क कितना दिया था कांस्टेंट 100 न्यूटन मीटर, है ना, इनटू थीटा, थीटा विल बी हाउ मच 240 पाई, आई होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड, इन 2 मिनट्स, देखो लिख देता हूं, डोंट बी कंफ्यूज बेटा, इन 2 मिनट्स आई विल बी हैविंग 120 रोटेशंस, इन 1 रोटेशन आई विल बी हैविंग 2 पाई रेडियन, दैट मींस 240 पाई रेडियंस, ओके is equal to m, m is a 10, cv की वैल्यू बताओ, of course अभी ध्यान से करना, आपको जूल पर केजी पर केल्विन में रखना है, 718 into what delta t, solve करके कितना आ रहा है बेटा, are you getting 10.5 degree celsius, ये एक बार confirm करना, are you getting c chennai, are you getting c chennai, आर यू गेटिंग सी चेन्नई, राहुल रोहित आज या कल में आ जाएगा बेटा, आज तो मुश्किल है, अभी हो सकता है कल आ जाए, पता नहीं, बोल नहीं सकते, आज या कल में आ जाएगा। यहां तक क्लियर है बेटा सब लोग? 10.5 इज द आंसर ना, 10.5 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में क्या आंसर होता बेटा, सपोज ही इज आस्किंग द आंसर इन केल्विन, तो क्या करोगे आप, इफ ही इज आस्किंग इन केल्विन देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अगर वो आंसर केल्विन में पूछेगा तो क्या करेंगे बेटा, अरे ये तो बहुत ही सिंपल है रे बाबा चंपू, इफ ही इज आस्किंग व्हाट इज द टेम्परेचर राइज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एयर इन केल्विन, तो क्या करोगे? यस कार्तिके, एब्सोल्युटली रॉन्ग रे बाबा, इसीलिए पूछा मैंने, इवन इफ ही इज आस्किंग इन केल्विन आंसर विल बी सेम ओनली, he is asking temperature increase, अरे temperature difference, temperature increase, temperature decrease, temperature change in degree celsius and kelvin are same only,
आंसर विल बी 10.5। देखो कुछ लोग फंस गए थे ना, अब मत फंसना आज के बाद, आज के बाद नहीं फंसेंगे रे बाबा नेगी सोल्जर्स। चलो शैल वी सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन हो जाए बेटा। अच्छा आप लोगों को पता है ना, चंपू क्वेश्चन ये हो रहे हैं, डंपू क्वेश्चन मैं सेपरेटली करवा रहा हूं। आर यू अवेयर ऑफ दिस? एवरी डे आई एम सॉल्विंग 2-2 डंपू क्वेश्चंस बिफोर द क्लास एंड आफ्टर द क्लास। आपको पता है ना आजकल क्या चल रहा है, 5:30 PM टू 5:50 PM आई एम टेकिंग वन ब्यूटिफुल प्रॉब्लम, देन 6 PM टू 7 PM यू आर हैविंग दिस क्लास, देन 7:30 PM आई एम टेकिंग अगेन वन मोर डंपू प्रॉब्लम, है ना, डंपू प्रॉब्लम हो रहे हैं रे बाबा। ऑलरेडी मैंने 4-5 डंपू प्रॉब्लम करवा दिए हैं। यस झमाझम सीरीज है रे बाबा, यस झमाझम सीरीज में उनको जरूर करना बेटा। अगर आपको बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उन सारे क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना, डंपू पर पावर ही हो रही है रे बाबा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 kg ऑफ एयर इन एन इंसुलेटेड रिजिड टैंक, दिस इज इंसुलेटेड रिजिड टैंक, इन दिस आई एम हैविंग एयर, टैंक ऑफ वॉल्यूम 1 m³ इज द चर्न्ड विद अ फ्रिक्शनलेस फैन, दिस इज द फैन, सी फिगर बिलो, ओके, ऑफ 600 W कैपेसिटी फॉर 10 minutes, ओके, द फैन एफिशियंसी इज 100%, ट्रीटिंग air as an ideal gas and neglecting kinetic and potential energy changes, what is the increase of pressure to the nearest kilopascal? Solve karenge beta. Solve karenge. Come on everyone, अरे बाद में देख लेना, नहीं नहीं अरे बाप रे बाप रे बाप रे, 7:30 नहीं है रे बाबा, 7:15 है, ओ माई गॉड ऑलरेडी, अरे आपको चंपू क्वेश्चन करवाते करवाते टाइम का पता ही नहीं चला, ऑलरेडी 7:15 हो गया रे बाबा, 7:15 है टाइमिंग, नॉट 7:30, आई एम सॉरी 7:15 है रे बाबा, फटाफट से करो ये क्वेश्चन, देखो पता ही नहीं चला टाइम का, बाप रे बाप, 7:15 है रे बाबा, चलो टाइम अप, अरे कोई तो आंसर दो रे बाबा, जितना टाइम आप लगा रहे हो उतना टाइम नहीं लगना चाहिए रे बाबा इसमें, ये नेगी ट्रिक वाला क्वेश्चन है, 40 तो नहीं है रे बेटा, 40 तो गलत है, अरे व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस, इफ आई एम अज्यूमिंग एयर इज माय सिस्टम, इफ आई एम अज्यूमिंग, इफ आई एम अज्यूमिंग this air is my system, what is the process, process kya ho raha hai beta, what is the process, isochoric heat addition na beta, aapko yaad hai aap kar loge na wo delta t wagera nikal ke, lekin main ye bol raha hu, are you able,
कल कितने लोगों ने ईमानदारी से, देखो इसलिए मैं बोलता हूं माई ईच एंड एवरी क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, कल कितने लोगों ने मेरी क्लास अटेंड करी थी और मैंने बताया था आइसोकोरिक हीट एडिशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, या फिर आइसोकोरिक हीट एडिशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, कितने लोगों को याद है कल मैंने ये फार्मूला लिखवाया था फॉर आइसोकोरिक हीट एडिशन, आई विल बी हैविंग व्हाट, वी पी टू माइनस पी वन, बेटा मैंने बोला था आपको ये सब चीजें हर कोई नहीं बताता है, अब देखो हो गया ना बेनिफिट, ही इज आस्किंग पी टू माइनस पी वन व्हाट विल बी द हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, पावर इनटू टाइम, हाउ मच इज द पावर 600 वॉट, हाउ मच इज द टाइम 120 सेकंड, इनटू गामा माइनस वन, एयर के लिए गामा कितना होता है बेटा 1.4 माइनस 1.4 डिवाइडेड बाय वी, वॉल्यूम इज हाउ मच 1, ही इज आस्किंग इन किलो पास्कल, 12×72 है ना, बताओ फटाफट से यही आ रहा है क्या, व्हाट इज द आंसर यू पीपल आर गेटिंग, 10 मिनट्स है ना यार, ये 2 मिनट्स ले लिया, 10 मिनट्स है तो कितना होगा यार, 10 मिनट्स है तो 600 सेकंड ना, 2 मिनट्स कहां से दिख गया मुझे, अब बताओ कितना आएगा, खत्म 36×4 ये आ रहा है क्या 144 किलो पास्कल, मेरे पास 144 आ रहा है बेटा, द आंसर गिवन इन द ऑफिशियल की वॉज द रेंज गिवन इन द ऑफिशियल आंसर की वॉज 140 to 150 किलो पास्कल, खत्म है बेटा, बता तो दिया, दिस इज द आंसर, आ गया ना 144, अब बताओ ये नेगी ट्रिक से कितना इजी हो गया ना, अरे ये क्वेश्चन नेगी ट्रिक से 2 लाइन में हो गया ना, इसे बोलेंगे नेगी कट, बाकी लोग कैसे करेंगे इसको, नॉर्मल आदमी कैसे करेगा, नॉर्मल इंसान इसको कैसे करेगा, डेल्टा टी निकालेगा है ना, टी टू माइनस टी वन निकालेगा, फिर वहां से पी टू माइनस पी वन निकालेगा, कुछ है ही नहीं इसमें, ये तो नेगी कट है सीधा, ठीक है चलो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं बेटा, इसको करना, इसका आंसर आएगा ए आगरा, ओके, अभी मैं एक बेहतरीन क्वेश्चन करवाने वाला हूं, सब लोग लाइव रहेंगे है ना, आई विल बी सॉल्विंग वन ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेटा, तो बेटा जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लो, नेगी 10 टेलीग्राम चैनल, दिस इज द लिंक, यू कैन फाइंड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, and in case you don't want to miss my free special classes on Unacademy learning app, then you can follow me on Unacademy learning app, search my name and then click on the follow button, the moment you are following me you will be getting the notification of each and every free class whatever I'm going to take on Unacademy learning app, time 600 second le liya tha na, 600 ले लिया था, हाँ गलती से पहले मैंने 120, एक्चुअली पता नहीं कहाँ से मुझे 2 मिनट दिखाई दिया, ये चंपू की वजह से मुझे 2 मिनट दिखाई दे रहा था, क्या होता ना मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, एक्चुअली मैं वाइट पे लिख रहा हूँ ना, तो उसका आंखों पे ये पड़ता है थोड़ा, पास से मतलब उतना क्लियरली नहीं पता चलता, थोड़ा दूर से देखो तो फिर भी पता चलता है, बट पास से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो मुझे लगा वो 2 मिनट दिया है ना, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, साथ में मेरा भी ले लो यार, मैं कहां पे खड़ा हो जाऊं कि तुम्हारा स्क्रीनशॉट सही से आ जाए, यहां ले लूं, ले लो आप स्क्रीनशॉट फटाफट से लेना रे बाबा, अ पर्सन स्टार्ट्स अ 60 वॉट टेबल फैन इन एन इंसुलेटेड रूम ऑफ वॉल्यूम, आ गया क्या,
नहीं आया पोज, हो गया हो गया हो गया, चलो चलो ठीक है। सो माय फ्रेंड्स, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग न्यू मॉड्यूल आइसोथर्मल हीट एडिशन। इज इट पॉसिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन? इज इट पॉसिबल? वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। ठीक है, नया मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर अब मैं स्टार्ट नहीं करूंगा बेटा। अगर अटेंडेंस कम रहेगी आई विल नॉट स्टार्ट द न्यू चैप्टर, यहां पे क्लोज कर देंगे, है ना। सो इफ यू आर लाइकिंग द क्लास हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। रे बाबा, कल से नया मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है, सबको सबको लिंक भेज दो, सबको बोल दो बेटा क्लास अटेंड करने के लिए। इसी पर ही डिपेंड करेगा कि नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। एक चीज और बेटा, कई बार लोग पूछते हैं, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूट्यूब एंड अनअकैडमी प्लस? तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ बेटा, यूट्यूब पे केवल आपको क्लासेस मिलती हैं, यू आर हैविंग द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, बट द मोमेंट यू आर कमिंग ऑन अनअकैडमी प्लस यू विल बी गेटिंग माई पर्सनल गाइडेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा ऑनलाइन की दुनिया में, आपके पास एक पर्सनल गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। ऑफकोर्स आपके टाइम पर क्लासेस होती हैं, टाइम पर टेस्ट सीरीज होती है, you will be having the question bank, you will be having two ongoing subjects at a time, like from 22nd of March heat transfer is starting, from 24th of March manufacturing is starting। तो ये customized batch में start हो रहा है बेटा, आपको तुरंत notes मिलते हैं, आपके पास live poll होता है, leaderboard होता है, serious teaching होती है, serious learning होती है, and of course as I told you बेटा, इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अनअकैडमी प्लस देन यूज द रेफरल कोड नेगेटन, नेगेटन लगाकर अनअकैडमी प्लस पर आ जाएंगे। जैसे ही आप नेगेटन लगाते हैं, यू विल बी माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल टेक केयर ऑफ यू, है ना। द मोमेंट यू आर यूजिंग नेगेटन, यू विल बी गेटिंग द डायरेक्ट एक्सेस टू अनअकैडमी प्लस, यू विल बी गेटिंग द डायरेक्ट एक्सेस टू नेगिस्तान। ओके, आई विल टेक केयर ऑफ यू। 22 मार्च से स्टार्ट हो रहा है हीट ट्रांसफर, 3rd ऑफ मे से स्टार्ट हो रहा है थर्मोडायनामिक्स, एंड दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। The moment you are coming on Unacademy Plus using the referral code Negiton, you will be getting the access to live classes. आपको live classes मिलती हैं. In case you are missing the live classes, you will be able to watch recorded sessions. आपको DPP मिलती हैं, daily practice problem मिलती हैं, practice seats मिलती हैं. And of course, the moment you are using Negiton, I will be adding you in all the doubt solving groups where me and my team members are present. In fact, on Unacademy Plus, every fourth class is a doubt clearing session. आपके वीकली क्विजेस होते हैं, आपको उसके डिटेल सॉल्यूशन मिलते हैं, एंड ऑफ कोर्स वंस योर सिलेबस इज ओवर, यू विल बी हैविंग द क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस आल्सो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दोज हु आर माय नेगी सोल्जर फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, दे नीड नॉट टू वरी अबाउट द लैंग्वेज, यू विल बी हैविंग द कोर्सेज इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। इफ यू आर फाइनेंशियली वेल सेटल्ड, देन यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी आइकॉनिक यूजिंग द सेम रेफरल कोड नेगेटन। जैसे आप अनअकैडमी आइकॉनिक ज्वाइन करते हैं बेटा, व्हाट एवर द फीचर्स आर देयर ऑन अनअकैडमी प्लस, वो तो आपको मिलते ही मिलते हैं, उसके अलावा आपको कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं। Like you'll be getting the personal coach. This personal coach is going to guide you right from the beginning till the end. This personal coach is going to mentor you right from the beginning till the end. Right from the preparation strategy till the interview guidance. This personal coach will make sure you are getting the customized study planner. This personal coach will make sure you are getting the personalized test analysis. This personal coach will be doing the test analysis for you people and will be giving you the weekly report so that you can improve in your future weekly quizzes and you are finally ready for the D-Day. You will be getting the study booster session from an academy, and of course you will be getting the theory books, you will be getting the problem books also. Okay, this is the fee structure for an academy plus. But jaise hi negi soldiers an academy plus join karne ki koshish karte hain using the referral code negiton, jaise hi negiton lagakar an academy plus join karne ki koshish karte hain, they will be getting the maximum discount for 12 months subscription fee will be reduced to 27,225 rupees. For 18 months, it will be reduced to 34,000 rupees. And of course, for 24 months, it will be reduced to 39,600 rupees. And you can pay no cost EMI also if you are having the credit card of any bank. Debit card hai aapke paas HDFC bank ka, you are having the Bajaj Finserv card, then you can pay no cost EMI. Iske alawa bhi aap pay kar sakte hain. Aap mujhe ek bar message kar dena, WhatsApp kar dena. ज्ञान गंगा में मेरा मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर वगैरह, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैसेज कर दो, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। दिस इज द फी स्ट्रक्चर फॉर अनअकैडमी आइकॉनिक। व्हाई टू यूज नेगेटन, यू आर अवेयर ऑफ दिस, द मोमेंट यू आर यूजिंग नेगेटन यू विल बी गेटिंग द पर्सनल गाइडेंस ऑफ गेट ऑल इंडिया रैंक 1 2019-20 सेंसस पेपर। एमई प्लस एक्सी मतलब नेगेटन, नेगेटन, नेगेटन। थैंक यू सो मच।